नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हम दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहे हैं और आज बात एक अहम चीज़ की जो शायद जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो है लगेज बेल्ट, जो पिछले दो दिनों से ख़राब है। और पटना से अभियंता की टीम आई थी इसे ठीक करने के लिए और हो सकता है इसे गुरुवार को ठीक भी कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लगेज बेल्ट दो दिनों तक ख़राब पड़ा रहता है, तीन दिन तक ख़राब पड़ा रहता है, तो आखिर लगेज ले कैसे जाते हैं लोग यहाँ से। और दरभंगा एयरपोर्ट का लगेज बेल्ट दो दिनों से ख़राब है और यात्री परेशान बेहाल हैं। और आपको बता दें कि अभियंताओं की टीम आई थी पटना से और वो लगी हुई थी इसको ठीक करने में, और कहा जा रहा है कि गुरुवार यानी आज इसे ठीक कर लिया गया होगा। हालांकि इसके आधिकारिक कोई सूचना नहीं है कि इसे ठीक कर लिया गया है या नहीं, लेकिन यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। मैनुअली लोगों यात्रियों का सामान जो है वो टर्मिनल भवन से ट्रॉलियों के जरिए हवाई जहाज़ तक लाया और पहुँचाया जा रहा था, और इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि यह लगेज बेल्ट एकमात्र एक ही लगेज बेल्ट है इस टर्मिनल भवन में, इसलिए यह समस्या आ रही है कि आखिर विकल्प कुछ नहीं है। टर्मिनल भवन में एकमात्र लगेज बेल्ट की सुविधा होने के कारण दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यानी कि विकल्प यही है कि आप ट्रॉलियों के जरिए मैनुअली आप करेंगे। अब तो ये स्थिति बता रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट को जो बनाने में जो दूरदर्शिता का अभाव दिखा कि जब इसे बनाया जा रहा था तो एक तो स्पेस कम लिया गया, उस पर से एकमात्र लगेज बेल्ट बनाया गया, शायद उस समय लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा एयरपोर्ट, इसलिए मंत्रालय को या सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उतना पैसा नहीं लगाया गया, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर स्थिति पहले से आंकी नहीं गई थी। लेकिन जब यात्रियों की संख्या बढ़ी, जब फ्लाइट की संख्या बढ़ी, तब समझ में आया कि इसे बड़ा टर्मिनल भी बनाना है, और इस इतना स्पेस कोटा केबिन का है उतना ही स्पेस और भी मांगा गया जो अभी फ़िलहाल लंबित है, वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो ये स्थिति अभी बतला रही है कि क्या है कि एकमात्र लगेज बेल्ट सीटिंग कैपेसिटी कम है, जिसे धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। तो ये चुनौतियाँ लगातार दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल भवन में सामने आ रही है, लेकिन यात्रियों को फिलहाल किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और आगे ये जब तक कि इसको स्थाई कोई समाधान नहीं निकलता, स्थाई टर्मिनल का कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक कि ये स्थिति बनी रहेगी। और आगे तो छठ और दिवाली का मौका आएगा, आगे अभी पर्व त्यौहार का मौका आएगा, तो यात्रियों की संख्या तो और बढ़ेगी, तो वो भी स्थिति देखनी पड़ेगी कि आगे कैसे इस चुनौतियों को टैकल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार स्मार्ट पी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।